ประชาชนให้ให้ประชาชนให้ให้ให้ประชาชนให้ให้ให้ให้เจ้าหน้าที่ให้ประชาชนให้ให้ประชาชนให้ประชาชนให้नालियों की बहुत परेशानी है, पानी निकलने की बहुत परेशानी हो रही है। हम आगे पीछे भी निकल नहीं पाते, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे लोग भी गिर जाते हैं पानी के अंदर, स्लिप हो जाती है, गाड़ी वगैरह भी गिर जाती है। आने जाने में बहुत परेशानी है और अभी बरसात आने वाली है। बरसात आने से हमारे घरों के अंदर पानी भरेगा, पानी भरता रहता है, रसोई घरों के अंदर सब जगह पानी भरता है। कभी आप आकर के देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये लोग किस तरह रह रहे हैं। एक हम इंसान की जिंदगी नहीं जी रहे, जानवर की जिंदगी की वजह जी रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हो सके जितने जल्दी हो सके उसका संविधान करें और इसकी आश्वासना दे। हमारे क्षेत्र की समस्या है कि हमारे यहाँ नाले का विकास मतलब निकास नहीं हो रहा है और जो भी पानी पानी भरा रहता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। मोदी जी का सफाई अभियान यहाँ पे बिल्कुल फेल है। हमारा जो पार्षद है नौरत, वो किसी की सुनता है नहीं और ना ही इस्तीफा देता है, ना हमसे मिलता है। और 5 साल में उसने कोई काम नहीं कराया यहाँ पे। और रावत साहब भी ध्यान नहीं देता है, वोट लेने आ जाता है लेकिन नालियाँ कितनी परेशानी। 41 इससे पानी की समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ और कोई सुनवाई नहीं होती है। खाली वोट की जब आ जाते हैं वहाँ पर ऑप्शन देते हैं, पास हुआ हुआ पड़ा है, टेंडर पास हुआ पड़ा है, आधी जब खुदाई हुई लेकिन फिर कार्य बंद हो जाता है। और अब हालत ये हो गई है कि पानी एक बूंद भी इधर उधर नहीं जा रहा है। बच्चे पब्लिक वगैरह स्कूल निकलने में दिक्कत हो रही है और मलेरिया की बहुत शिकायतें हो रही है। और ना तो पार्षद साहब ध्यान देता है, उसको 10 दफे बुला के दिखा दिया, ना कोई जमादार ध्यान देता है। और सुरेश सिंह जी को भी कई दफे समस्या गिना दी लेकिन कोई ध्यान नहीं। क्या नाम आपके पार्षद का? नौरत गहलोत। तो आपने स्थानीय प्रशासन को कभी शिकायत की? हाँ, सबको कर दी। कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं। आगे की कार्रवाई यही है कि अब जान पर जाके धरना देंगे या रोड जाम कराएंगे। हम रहता हूँ गरीब अहमद गाँव में, एक पल बाढ़ आया हमारा, यहाँ नाली की समस्या नहीं है, निकास का कोई पानी जाने का रास्ता नहीं है। मतलब हम बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत परेशान है। पार्षद के पास भी जाते हैं, पार्षद को कुछ करता नहीं, सुनाई जब भी जाते हैं बस गोलियां देता है, मीठी मीठी भगाता हमारे को क्या। और जब गहलोत साहब है और कौन कौन, जब उनके पास भी कहते हैं हम, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। आई समय हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब बारिश का टाइम है, बारिश आएगी फिर बहुत ज़्यादा गंदगी बढ़ेगी आम के तालाब के अंदर। और नाली का कोई निकास नहीं हो रहा अभी तक, पैसा भी पास हो गया फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही है नाली के लिए। आम के तालाब से बोल रहा हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे नालियों की क्या हालत हो गई है। पिछले 1-2 साल से हम कंटिन्यू विधायक साहब के यहाँ पे जा जाके अर्जियां लगा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं और वो हर बार आश्वासन देते हैं कि अभी आपका ये काम अभी हो जाएगा, अभी आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन बिल्कुल वो हुआ है। डेली सुबह यहाँ पे प्रशासन की गाड़ी आती है कचरा बीनने वालों के लिए कि मोदी जी का ये स्वच्छ अभियान चल रहा है। ये देखो आप यहाँ पे मोदी जी का स्वच्छ अभियान क्या दशा दे रहा है। आए दिन लोग बुजुर्ग लोग यहाँ पे पानी के अंदर गिरते रहते हैं, आए दिन बच्चे साइकिलों से फिसलते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना घटती रहती है, लेकिन प्रशासन यहाँ पे किसी तरीके से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और न सफाई वाला आता है, न सफाई कर्मी कोई ध्यान दे रहे हैं। सफाई कर्मी भी आगे वाली गलियों के अंदर सफाई कर करवा के चले जाते हैं। यहाँ पे कोई व्यवस्था, किसी भी टाइप की कोई व्यवस्था, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आगे इस समस्या को प्रशासन तक पहुँचाएं और इसका कुछ समाधान कराएं। प्रशासन को हमने विधायक महोदय साहब को, इधर हमारे पार्षद जी को हजारों बार एप्लीकेशन दी हुई है, घर जा जाके मिले हुए हैं, पूरे मोहल्ले के सब जने 20-25 जने जाके उनके घर पे जाके मिले हुए हैं, एप्लीकेशन लगाई हुई हैं। हर बार उनका यही आश्वासन होता है कि अभी आपका ये टेंडर हो गया है, ये पास हो गया है, अभी ये आचार संहिता हटेगी, अभी ये काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सारी आचार संहिता पिछले 3 सालों के अंदर कितनी आचार संहिता लगी, कितनी हट गई, लेकिन यहाँ पे किसी टाइप की कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोग भूख हड़ताल करेंगे, पानियों में लेटेंगे और टैंकरों में घुसेंगे, जब जाके आगे प्रशासन सुनाई करेगा। कल ही इसमें टीवी न्यूज के अंदर एक वो आया, न्यूज आई थी
कि वो वहाँ के क्या नाम है उसने पार्षद ने नाली में घुस के और वो गिर के और वो समस्या का समाधान कराया। यहाँ पे भी ऐसा ही करना पड़ेगा लग रहा है हमारे को।